खरगोन बड़वानी जिले के सांसद गजेंद्र पटेल गुरुवार को खरगोन पहुंचे और भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि कृषि विधेयक बिल लागू होने के बाद किसान विरोध कर रहे हैं, लिहाजा किसानों की भ्रांति दूर करने के लिए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान हितग्राही में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जबकि विरोधी दल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मीडिया से रूबरू सांसद ने बताया कि किसान विधेयक बिल की महत्ता को बताने भाजपा गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। महिलाओं की सरकार, ये सरकार मजदूरों की सरकार, ये सरकार समाज के समस्त अंगों की सरकार, तो ये सरकार किसानों की सरकार है। तो कहा था कि खेती को नाम का धंधा बनाना यह देश के प्रधानमंत्री जी का शब्द था, और इसलिए सबसे पहले कदम हमारे कई छोटे छोटे कष्टकार किसान लोगों के, जिनके कभी बैंक से तो ऋण नहीं होता था, कभी कंप्यूटर को कभी खाते नहीं खुले जाते थे तो खाता कंप्यूटर को खुल दिया गया। किसान सम्मान निधि के माध्यम से ऐसे देश के 92 लाख किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से साल भर में 6,000 रुपये देने का प्रावधान इसको में देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। पिछले कई वर्षों तक किसान को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया पिछली सरकारों ने, और ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी प्रकार का भी विधेयक पिछली जो आज के समय विपक्ष की सरकार है, जो देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी सरकार चलती रही और किसानों को लाभ देने का सिर्फ वादा करती रही, परंतु एक भी संशोधन विधेयक, एक भी उनके लिए कानून, एक भी उनके लिए कोई योजना है उस सरकार ने नहीं बनाई। परंतु देश की वर्तमान की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। किसान की होने वाली इनकम को 2022 तक दोगुना करने का इस सरकार संकल्प लेती है, और उसी संकल्प पर भारत की सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के 92 लाख से भी ज़्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये देने का काम भारत की सरकार कर रही है। उनके जीवन बीमे की योजनाओं को लेकर सरकार काम कर रही है, अनुदानों की योजनाओं को लेकर सरकार काम कर रही है। आपने देखा कि भंडारण को लेकर, उनके भंडारण बनाने को लेकर सरकार काम कर रही है, और कहीं के ऐसे छोटे काश्तकार जिनको अपने खेतों में कहीं की छोटी उपज के माध्यम से कोई जैविक खेती की जाए, ऐसी तमाम प्रकार की जैविक उत्पाद के माध्यम से केंद्र सरकार उसको लाभ देने का काम कर रही है। ये इस प्रकार से किसानों के चेहरे खिले, उसके लिए सरकार ने किसानों से ऑनलाइन उनके सुझाव भी मांगे गए थे, और उसी को लेकर किसानों को लेकर कृषि विधेयक संशोधन लागू किया गया है, जहां पर किसान अपनी फसल सिर्फ मंडी में लाकर ही बेचता था, परंतु इस विधेयक में अपना किसान कहीं कहीं मंडी के अलावा उसको अगर बाहर से ज़्यादा मूल्य देना है, अगर बाहर मूल्य से ज़्यादा, अगर उसको देश में किसी कोने पर अगर मूल्य ज़्यादा देना है, तो अपनी फसल किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में फसल बेच सकता है, ऑनलाइन के माध्यम से बेच सकता है, अपनी फसल का भंडारण कर सकता है, भंडारण के बाद में उसको जब उचित मूल्य लगे तब अपनी फसल को बेच सकता है। बिचौलियों का माध्यम जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले कई सालों से रख रखा था, उनको कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान हो ऐसा कांग्रेस की सरकार करती आई थी, परंतु बिचौलियों का माध्यम खत्म करने का काम, किसानों को लाभ मिले ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कहीं आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।